हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खुशी के पल। आज मैं आलू चॉप बना के सिखाऊंगी। तो पहले एक पैन में ऑयल गरम कर लीजिए और उसके लिए हमें चाहिए कटे हुए ग्रीन चिली, ऑनियंस, करी पत्ता और उबला हुआ आलू। तो जब तेल हमारा गरम हो जाए उसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे हम। जीरा जब थोड़ा सा भुन जाए तो फिर उसमें ग्रीन चिली, ऑनियंस और करी पत्ता डालेंगे और उसको फ्राई करेंगे। फिर उसमें थोड़ा सा हल्दी का पाउडर और थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। फिर उसमें उबला हुआ आलू डालेंगे। आलू में मैंने पहले नमक नहीं डाला है क्योंकि हम जब प्याज फ्राई करेंगे उसमें नमक डालेंगे, इसलिए आलू उबालने के टाइम मैंने नमक नहीं डाला है। उसको अच्छे से फ्राई कर दीजिए। फिर उसमें कोथमीर मतलब धनिया के पत्ते, जिसको पसंद है वो डाल सकते हैं, जिसको नहीं पसंद वो नहीं डाले तो भी चलेगा। और फिर थोड़ा सा मसाला पाउडर डालें, फिर उसको अच्छी तरह से मिला लें। और फिर एक बाउल में एक कप बेसन, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा सोडा डालें, खाने का सोडा जो रहता है। और फिर उसमें नॉर्मल पानी डालकर अच्छी तरह से मिला लें उसको। ये बेसन का बैटर हम बनाएंगे। देखिए उसकी कंसिस्टेंसी कैसी होगी, मैं आपको स्पून से दिखाऊंगी। उसका थिकनेस इतना होना चाहिए बेसन का। फिर जो आलू हमने फ्राई किया था वो आलू को छोटा छोटा गोल बनाएंगे, छोटे छोटे बॉल्स बना के हम बेसन के पेस्ट में डीप करके फ्राई करेंगे ऑयल में। ये लीजिए हमारे बॉल्स बन गए पटाटो के। फिर हमने गैस पे ऑयल रख दिया है गरम होने के लिए। फिर वो आलू के बॉल्स को बेसन के पेस्ट में डीप करके हम गरम ऑयल में फ्राई के लिए छोड़ देंगे। एक एक करके हम सारे आलू के बॉल्स को डालेंगे ऑयल में। गैस के फ्लेम को मीडियम रखना है, ज़्यादा स्लो या ज़्यादा हाई नहीं रखना है हमको। एक साइड हो जाए तो दूसरे साइड पलट दीजिए। लीजिए हमारा रेडी हो गया और उसको टिश्यू पेपर पे निकाल दीजिए। और हमारा रेडी हो गया आलू का चॉप। बहुत ही इजी है फ्रेंड्स। लाइक और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।